हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर एसी टेक चैनल। आज की वीडियो के अंदर मैं आप लोगों को बताने वाला हूं कि अगर आप लोग भी कोई एक एप्लीकेशन को डिलीट करना चाहते हो और वहां पर आई कांट डिलीट दिस एप्लीकेशन का ऑप्शन आ रहा है, एरर आ रहा है और आप लोग डिलीट नहीं कर पा रहे, तो आज की वीडियो के अंदर मैं आप लोगों को बताऊँगा कि आप लोगों को क्या सोल्यूशन इसका निकालना चाहिए। तो सबसे पहले आप लोगों को अपना मोबाइल फ़ोन को पावर बटन को होल्ड करके रखना है 5 to 6 सेकेंड तक, और यहाँ पर आके आपको स्लाइड टू पावर ऑफ के ऊपर स्लाइड कर देना है। ठीक है दोस्तों, पहला ऑप्शन हमारे पास ये है। दूसरा ऑप्शन के लिए हमें आ जाना है आईफोन की सेटिंग्स के अंदर, और आईफोन की सेटिंग्स के अंदर आने के बाद आप लोगों को यहाँ से स्क्रॉल डाउन करना है, जनरल में आना है, सॉफ्टवेयर अपडेट में आना है और आपको अपने आईफोन का सॉफ्टवेयर अपडेट कर लेना है। ठीक है दोस्तों, देन आपको यहाँ से बैक कर लेना है, स्क्रॉल डाउन करना है, ट्रांसफर और रीसेट आईफोन के अंदर आना है और यहाँ पर आके आपको इरेज ऑल कंटेंट एंड सेटिंग के ऊपर टैप कर देना है। आई होप ये वीडियो आप लोगों को बहुत पसंद आई होगी। प्लीज़